हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजूस किचन। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। आज हम आपके लिए लाए हैं फ्रूट प्लम केक की रेसिपी। ये केक हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इसे हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ब्राउन शुगर का यूज़ करेंगे, नॉर्मल शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। तो गाइस, चलिए देखते हैं फ्रूट प्लम केक की रेसिपी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए गाइस, बनाते हैं फ्रूट प्लम केक। कैरेमल फ्रूट प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कि मैंने बेरीज, ब्लैक किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, काजू और ये कुछ टूटी फूटी ली है। ये 8 to 10 टेबल स्पून शुगर, ब्राउन शुगर, इसको मैं कैरेमलाइज करूँगी। मैदा 1 big cup और ये 4 tablespoons के अप्रॉक्सीमेट मैंने मिल्क पाउडर लिया है। 1 baking soda और 2 tablespoons के अप्रॉक्सीमेट मैंने ये रूम टेम्परेचर बटर लिया है। और मैंने ये फ्रेश मिल्क क्रीम ली है जो कि मैं ऐड करूँगी। शुगर को कैरेमलाइज कर लेते हैं। कैरेमलाइज करने के लिए हम कढ़ाई में ब्राउन शुगर डालेंगे। आप चाहे तो वाइट शुगर में भी इसे बना सकते हैं, बट मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। हम इसमें पहले पानी नहीं ऐड करेंगे, पहले हम बिना पानी के ही शुगर को मेल्ट करेंगे। और ये जैसे ही धीरे धीरे अभी पिघलने लगेगी और कैरेमलाइज होने लगेगी। मैंने गैस फ्लेम हाई रखा हुआ है और इसे प्रॉपर चलाते रहना है, आपको रुकना नहीं है, चलाते ही जाना है जब तक ये कैरेमलाइज नहीं होती। अगर आप चलाना बंद कर देंगे तो ये कढ़ाई की तली में लग करके जल जाएगी और जिसकी कि स्मेल या टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अब हम गैस फ्लेम स्लो कर लेते हैं, चीनी ने पिघलना शुरू कर दिया है। अब हम इसे चलाते जाएंगे बिना रुके। चीनी मेल्ट हो गई अच्छे से, अभी हमें इसे एक उबाल आने तक पकाना है। इसे कैरेमलाइज हो गई है लेकिन अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अभी जब तक ये इसमें एक बार उबाल नहीं आता, ये देखिए गाइस, चीनी में बॉयल आ गया अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि मैंने 1 cup चीनी ली थी तो 1.5 cup मैं इसमें पानी का यूज़ करूँगी। गाइस, कैरेमल की स्मेल अच्छे से आ रही है बहुत। अब जैसे इसमें बॉयल उबाल आएगा एक पानी में, वैसे ही हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस, पानी में अच्छे से खोल आ गया है तो हम इसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये 1/2 bowl से ऊपर मैंने टूटी फूटी ली थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से 4 से 5 मिनट हम पका लेंगे जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट्स मेरे हैं ये सॉफ्ट हो जाए। अब हम गैस फ्लेम स्लो करके 5 मिनट तक के लिए हम इसे अच्छे से इस कैरेमलाइजेशन वाटर में ड्राई फ्रूट सारे पका लेंगे जिससे कि ये ड्राई फ्रूट जो हार्ड हैं वो थोड़े सॉफ्ट और जूसी हो जाए और केक में अच्छे से ये सेट हो जाए। इसलिए हम इनको 5 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। फाइव मिनट्स हो गए हैं तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 1/2 hour के लिए ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और ये वाटर भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके सारे ड्राई फ्रूट्स। तब तक हम बटर को सॉफ्ट कर लेते हैं। गाइस, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, केक बनाने के लिए आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, इससे आपका केक अच्छा बनेगा। अब हम इसमें 2 teaspoons मिल्क क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये होममेड मिल्क क्रीम है, आप चाहें तो अमूल मिल्क क्रीम भी ले सकते हैं। और इसमें मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हम इनको प्रॉपर फेंट लेंगे। आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है।
देखिए फ्रेंड्स, बटर और ये मिल्क क्रीम और मिल्क पाउडर, ये तीनों अच्छे से व्हिप्ड हो गए हैं। ये एकदम व्हिप्ड क्रीम जैसा फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। आपको भी ऐसे ही करना है और इसको इतना मतलब व्हिप्ड करना है जिससे कि एकदम लाइट वेट का हो जाए। अभी इस समय ये बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम जैसा एकदम लाइट रहता है ना, सेम उसी कंडीशन में है। ये कैरामलाइज्ड ड्राई फ्रूट्स का ठंडा हो चुका है, आधे घंटे हो चुके हैं इसे, तो अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसी में हम मैदा ऐड करेंगे। और ये रहा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइस, ये डो आपको बहुत ही पतला नहीं बनाना है, इसको थोड़ा थिक ही रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। और इसे आपको ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस मिक्स हो जाए तब तक आपको इसको अच्छे से मिलाना है। ज़्यादा देर हमें इस बैटर को नहीं फेंटना है। मैं ये केक ओवन में बना रही हूँ, माइक्रोवेव में। आप इसे कढ़ाई में, कुकर में भी बना सकते हैं। और इसे बेक करने के लिए कम से कम 40 मिनट लगेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, तो ये केक थोड़ा लेट बेक होगा, थोड़ा टाइम लेगा बेक होने के लिए। तो नॉर्मल जो केक बेक होते हैं 30-35 मिनट्स बेक हो जाते हैं, बट इसमें ड्राई फ्रूट्स की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बेक होने के लिए। सो गाइस, बैटर एकदम रेडी है, अब हम इसके लिए केक टिन रेडी कर लेते हैं। गाइस, ये जो बैटर है वही मैं बीच बीच में यहाँ लगा दूँगी जिससे कि केक टिन की तली में चिपके नहीं। और मैंने ये पेपर, प्लेन पेपर का साइज़ कट किया है इस केक टिन के साइज़ का। आप बटर पेपर या कोई भी प्लेन पेपर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गया सो मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ। और ये इसमें लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम लगता है इसको बेक होने के लिए, तो आपका केक जले ना कहीं। और साइड से भी आप इसमें पेपर लगा दीजिएगा जिससे कि ये केक आपका अच्छे से बेक हो जाए और किनारे से जले नहीं। इस तरह से आप इसकी कोटिंग कर लीजिएगा। मैं बीच बीच में बटर लगा देंगे। और चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमारा ये केक बैटर है इसको हम इस पैन में डाल देंगे। देखिए गाइस, इतना ही थिक रखना है आपको, इसका आपको पतला डो नहीं बनाना है। और आप इसमें कोई भी फ्रूट्स अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी पसंद के इसमें काफ़ी फ्रूट्स ऐड किए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसमें इसको डाल देंगे और आपको ऊपर तक इसे फिल नहीं करना है क्योंकि ये बेक होने के बाद फूलेगा, तो आपको थोड़ा खाली ही रखना है। और केक बैटर इसमें डालने के बाद आपको इसको अच्छे से टैप कर देना है जिससे कि इसमें जितने भी अंदर एयर बबल्स बने हैं वो टैप करने से ख़त्म हो जाएंगे और केक अच्छे से सेट भी हो जाएगा। और मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे जिससे कि मैं ऊपर से इसमें गार्निश कर दूँगी। अब हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे अवन में। और अगर आपको इसे कढ़ाई में पकाना है तो सेम टाइम पे कढ़ाई पे भी पक जाएगा। अवन को मैंने कन्वेक्शन मोड पे प्री हीट कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। अब हम कन्वेक्शन मोड पे इसको 200 डिग्री पे हम बेक कर रहे हैं और इसे हम 40 मिनट्स के लिए सेट कर देंगे। और इसे हम अच्छे से बेक कर लेंगे 40 मिनट्स में। ये अच्छे से बेक हो जाएगा, केक बनकर एकदम रेडी है। एग्जैक्ट 40 मिनट्स में ये बनकर एकदम बेक हो गया है। और टूथपिक डाल के देखते हैं, एकदम क्लीन निकल रही है, एक भी मिनट कम ज़्यादा नहीं। गाइस, आप 35-40 मिनट्स में सेट करिएगा अगर बनाइएगा कन्वेक्शन मोड में। अब हम इसे 1/2 एंड 1/2 के लिए मैं गीले कपड़े से इसको कवर करके रख रही हूँ जिससे कि ये ठंडा हो जाए और ये ऊपर का जो हमारा लेयर है वो हार्ड ना हो, इसलिए हम इसे कवर्ड करके अच्छे से आधे घंटे के लिए। आधे घंटे हो चुके हैं, केक अच्छे से ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसे
अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से निकल आया है। अब हम इसके साइड की लेयर भी निकाल देंगे। अब हम इसके पीस कट कर लें और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। ये देखिए गाइस एकदम सॉफ्ट है ये और बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ट्राई कीजिएगा इस किसमस। और बहुत ही इजी है फ्रूट प्लम केक बनाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसमें एसेंस का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसे कैरेमलाइज फ्लेवर देना था, इसलिए मैंने इसमें एसेंस नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और गाइस अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और इस क्रिसमस बनाइए टेस्टी प्लम फ्रूट केक। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड मैरी क्रिसमस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।